कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन। हाउएवर ऐसा पॉलिटी में चांसेस कम होते हैं। इफ़ यू रेड इट नॉट नेसेसरली ओनली वंस, यू हैव टू रीड टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स। हाउएवर विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स आपके चांसेस कि कुछ भी नहीं आता उस क्वेश्चन में बहुत कम हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम रजा हमीद, आई एम अ फैकल्टी एट KSG एंड आई टीच पॉलिटी। आज मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी देने वाला हूं कि पॉलिटी को सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए कैसे करना चाहिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं इस सब्जेक्ट की। इस एग्जाम में प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही बहुत ज़्यादा इसकी वेटेज है। इफ़ यू लुक एट ओनली द प्रीलिम्स इन द लास्ट 5 years वी हैव सीन अप्रॉक्सीमेटली 15-20 क्वेश्चंस कमिंग एवरी ईयर। अप्रॉक्सीमेटली देर कुड बी अ ईयर जहाँ पे इससे भी कम क्वेश्चन आए हों, हाउएवर वी कैन स्टिल सेफली से 15-20 क्वेश्चंस रेगुलरली आर कमिंग। एवरेज पकड़ लेते हैं 14-15 एंड यू विल फाइंड दैट दिस इज ऑलमोस्ट और क्लोज टू 1/3 ऑफ द कट ऑफ ऑफ एवरी ईयर इन द लास्ट 5 years। When I say 1/3 in that sense, what I mean is कि अगर पास करने के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए या 100 मार्क्स चाहिए तो 100 में मतलब 33 मार्क्स अगर पॉलिटी कवर कर रहे हैं 100 में से, सो दैट्स 1/3। सो दैट इज काइंड ऑफ कैलकुलेशन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया पास करने के लिए आपके लिए। मेंस में भी अगर GS पेपर 2 देखते हैं तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ GS 2 इज पॉलिटी इटसेल्फ। सो इट शोज यू एट बोथ द लेवल्स it is a very important subject. Not only it is important, it is also comparatively easier to understand with basic concepts if you are getting it and some recall value. With both things you should be able to solve most of the question, and because of this reason most of the students who prepare for this exam love this subject. जनरली आप टॉपर से जब भी आप बात करेंगे, अगर आप पूछेंगे कि आपके आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में बताइए, सो पॉलिटी ज़्यादातर लोग अपने टॉप पे रखेंगे। उसका रीज़न यही है कि लॉट ऑफ मटेरियल्स आर अवेलेबल, बट लॉट ऑफ मटेरियल्स ऑल्सो क्रिएट लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। सो टुडे ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देंगे। इन टर्म्स ऑफ द लाइकिंग फॉर दिस सब्जेक्ट, ईजियर के साथ साथ वेटेज भी दिख गई आपको। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन पे। जनरली लेट्स से आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री। हाउएवर ऐसा पॉलिटी में चांसेस कम होते हैं। इफ़ यू रेड इट नॉट नेसेसरली ओनली वंस, यू हैव टू रीड टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स। However, with basic understandings, आपके chances कि कुछ भी नहीं आता है उस question में बहुत कम हो जाते हैं इस subject। In terms of the important topics, अगर आप देखें इस subject के in the last 10 years approximately, उसमें अगर हम देखते हैं तो parliament बहुत ज़्यादा numbers के साथ, ज़्यादा question के साथ आगे रहा है in terms of UPSC's hot topic, almost close to 30 questions. In terms of DPSPs, FRs, they're also pretty important in the exam. In terms of judiciary, uska bhi weightage acha raha hai, kareeban 15 questions aaye hue hain. Mains mein domain mein agar hum dekhenge, to kuch segments aise ho jayenge jinse zyada question aaye hue hain. अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से इफ आई कैलकुलेट अराउंड 250 मार्क्स के क्वेश्चन लास्ट 10 साल पे फेडरल एस्पेक्ट में, सेंटर स्टेट रिलेशंस, डिस्प्यूट्स, सम मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लुकिंग इनटू दीज एस्पेक्ट्स, इस सारे डोमेन से ऑलमोस्ट 250 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप ये नोटिस इससे कर सकते हैं कि PT में कुछ अलग एरिया हो सकता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, मेंस में कुछ अलग एरिया हो जो इम्पॉर्टेंट हो, ऐसा भी हो सकता है, और हम देख ही रहे हैं ये सब डेटा के साथ। इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड इलेक्शन इन द मेंस, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट,
we've got more than 200 marks of question in the last 10 years. ये जो दोनों बातें आपको मैंने बताई है PT और mains के in terms of the important topics or important areas, इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ high yielding topics है और ROI बहुत high है कुछ topics का, but that does not means कि आप बाकी topics को नहीं cover करेंगे. अब देखते हैं what all things to read, how to read, how to revise, इस सारे एरिया को भी अभी कवर कर लेते हैं. अगर हम मटेरियल्स की बात करें देन यू शुड स्टार्ट विद NCERTs. 11th क्लास NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट. However, you can start from 8th class onwards. 8th, 9th, 10th should not take you many days. बहुत जल्दी हो जाएगा. 11th may take you few days. However, both the books are very important. बहुत ही lucid language में बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों के level पे जाके समझाया गया है. Whenever you are reading NCERTs, make sure आप जो last में questions दिए जाते हैं उनको आप practice करें. बूझो पहेली, यू विल ऑल्सो फाइंड देम आस्किंग सर्टन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. उनकी किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, थिंक, पॉन्डर ओवर दैट. उससे भी आपकी एनालिटिकल स्किल इंप्रूव होएगी, जो कि आपको बाद में मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी बहुत मदद करेगी, बिकॉज उसका डायरेक्ट आंसर शायद आपको ना मिले बुक में. हाउएवर, आफ्टर अप्लाइंग योर माइंड, लॉजिक एंड द कंटेंट व्हाट यू हैव रेड, ये सबको अगर आप मिक्स करेंगे, यू विल बी एबल टू get to the right answer. NCERTs or koi bhi book, jab bhi first time read karenge, you will never underline it. No book should be underlined in the first reading. Ye bahut important cheez hai, aapko pata hi nahi hai usme kya important hai kya nahi important hai. So pehli reading ye soch ke bhi kabhi nahi karna hai ki abhi main superficially hi padh lunga, uske baad main achhi tarike se next time karunga. ये अच्छी तरीके से नेक्स्ट टाइम करना क्या होता है, आप हर बारी अच्छी तरीके से करेंगे, कभी भी लूजली नहीं करना है. सुपरफिशियल रीडिंग वुड एक्चुअली हार्म यू मोर. आपको लगेगा कि आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है और यू हैव इन्वेस्टेड फ्यू डेज, हाउएवर इन द एंड क्वेश्चन शायद टैकल नहीं हो पाए. सो हर रीडिंग बहुत ध्यान से करनी है. Underlining next reading or even third reading, with that you can start underlining. Ab notice karenge in NCERTs aapko next reading pe 8 9 10 se aapke notes create ho jayenge. Bahut hi aaram se aap ek ek do do page mein inse notes bana payenge. Aap 11th ki zyada zarurat nahi hai ki un terms ko ek se do page mein convert karne ke liye. However, 8 9 10 jo kar lijiyega taki next time aapko utna time invest na karna pade. When we have completed those NCERTs, we go into the Lakshmikant. In context of Lakshmikant, aap usko chapter wise mat padhiye, usko theme wise study kijiye. Jo topics club ho sakte hain, merge ho sakte hain, unko aap club kijiye. That will help you in understanding the book in a much easier way. Ya fir bahut hi aasani se aap usko पढ़ के समझ सकते हैं. सेम थिंग आप यहां पे भी अप्लाई करेंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे फर्स्ट रीडिंग में. व्हेन आई से क्लब कीजिए थीम्स को, लेट मी गिव एन एग्जांपल फॉर दैट. आप प्रेसिडेंट और गवर्नर साथ में आप पढ़ सकते हैं, आप पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर साथ में पढ़ सकते हैं. इस टॉपिक पे मैंने एक और बड़ा सा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख लेंगे तो आपका मींस हाउ टू टैकल लक्ष्मीकांत और हाउ टू डील विद लक्ष्मीकांत, ये और आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा ये. हाउएवर, इन ब्रीफ, इफ आई हैव टू टेल यू इन टर्म्स ऑफ द टॉपिक्स विच यू नीड टू कवर और इन टर्म्स ऑफ द क्रोनोलॉजी और द सीक्वेंस जो आपको कवर करना चाहिए लक्ष्मीकांत बुक से, आप पॉलिटी को समझने के लिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पर फोकस कीजिए इन द स्टार्टिंग. सो स्ट्रक्चर समझ लीजिए गवर्नमेंट का एंड हाउ दे फंक्शन. सो स्टार्ट विद एग्जीक्यूटिव्स. व्हेन यू डूइंग द एग्जीक्यूटिव, यूनियन स्टेट साथ में कर लीजिए. वंस यू अंडरस्टैंड द एग्जीक्यूटिव, यू कैन गो इन टू द लेजिस्लेचर एरिया, द पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर, देन एफ आर डी पी एस पी एंड द एफ डी, यू विल डू इट लेटर ऑन. Then you will go in for the elections. I'm explaining you all these things in brief because
You can always look into the other video wherein everything is explained in detail. क्या यही बुक है क्या? इसके सिवा कोई और बुक नहीं है क्या? In terms of लक्ष्मीकांत, देखिए there are lot of books, बहुत ज़्यादा books हैं इस subject के ऊपर. तो जैसे डीडी बासु है, सुभाष कश्यप है, वो books भी बहुत अच्छी books हैं, no doubt about that. However, if somebody asked me कि सर मुझे constitution समझना है, however मुझे exam नहीं देना है, I want to understand the constitution because मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में, then I'll say सुभाष कश्यप पढ़िए आप. If somebody would say that I want to read constitution because मुझे law करना है, I would say go for D.D. Basu. However, somebody says I want to go in for the UPSC CSE, I would say go for Lakshmikant. So there are all these three books, and not only these three books, there are many good books. सब अच्छी हैं, but सबके लिए requirement या purpose सबका different आ रहा है. वैसे दूसरी बुक भी आप उठा लेंगे तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, but the point is ये बहुत specific है and regularly update भी हो रही है. अगर आपको लक्ष्मीकांत के स्टिल कुछ और आपको सप्लीमेंट करना है, लेट्स से यू विल फर्स्ट आप एनसीईआरटीज पढ़ लेंगे, देन यू विल हैव लक्ष्मीकांत, यू विल कवर अप एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ और अपडेट एवरीथिंग विद करंट अफेयर्स, नो डाउट अबाउट दैट. बट द पॉइंट इज इफ एट ऑल देयर इज अनदर बुक व्हिच आई वुड लाइक टू रिकमेंड, दैट इज पीएम बख्शी. ये इनकी बेयर एक्ट जो आती है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट बेयर एक्ट, यू लाइक और यू ऑलरेडी हैव अनदर बेयर एक्ट, आप वो रेफर कर सकते हैं. हाउएवर पीएम बख्शी इज द मोस्ट रिकमेंडेड वन. इसके सिवा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. सो करंट अफेयर्स से आप अपडेट करेंगे उसको, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी पॉलिटी सब्जेक्ट पीटी मेंस दोनों के लिए. किस साल कौन सा डोमेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द न्यूज़. आप पेपर तो डेली पढ़ेंगे. अब जैसे दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेज लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनकी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है बहुत टाइम से, तो ये हॉट टॉपिक हो जाता है. सो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 239 कैपिटल और AA, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट आपके पास ये टॉपिक अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. कहीं और पे कोई न्यूज़ आ जाएगी, लेट्स से इफ देयर इज सम नेचुरल डिजास्टर, अपने आप वो डोमेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में. सो पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ और इम्पॉर्टेंट होगा, ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ और इम्पॉर्टेंट होगा. हाउएवर एज यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस, यू योरसेल्फ वंस यू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स which is given in the syllabus, once you understand that, you will be able to know कौन सा topic कितना important होता है. आप हर topic पढ़ने के बाद PYQ solve करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है. लक्ष्मीकांत would also require multiple revisions. So एक revision में इसमें भी नहीं होने वाला है, 10 बार भी लोगों ने किया है, 15 बार भी लोगों ने किया हुआ है, but revision and revisitation, ये दोनों में फ़र्क है. Do not revisit, revise. आप कुछ पढ़ते हैं, आँख बंद कीजिए एंड ट्राई टू रिकलेक्ट वॉट यू हैव रेड. यू ओपन अप अ चैप्टर, यू जस्ट डोंट स्टार्ट रीडिंग, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट वंस यू आर रिवाइजिंग, यू थिंक इसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, इन द सेंस आप जो रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. वन, इट विल बी अ स्लो प्रोसेस, हाउएवर इट विल स्टे विद यू फॉर अ लॉन्गर टाइम. आई होप आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो चुकी होगी. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.